जिस तरह से जो कैंडिडेट्स हैं वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो ऐसे ही हिमाचल टुडे की टीम भी आप लोगों को कैंडिडेट से मिला रही है कैंपेनिंग के दौरान। तस्वीर आपको दिखा देते हैं क्योंकि मंडी विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम हैं और यहां पर बल जो है विधानसभा क्षेत्र है वहां से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है ताराचंद भाटिया जी, उनसे बातचीत भी करवाएंगे। और जिस तरह से सवाल हम पूछ रहे हैं, मैंने मंडी का नाम इसलिए लिया क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। सरकारें कहती हैं कांगड़ा और मंडी से ही बनती है, विधानसभा वहीं से जाते हैं, तो ऐसे में बल विधानसभा क्षेत्र की बात करें, कितना महत्वपूर्ण है ये क्षेत्र? ये जो सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप इतनी दूर तक हमें ढूंढते पहुंचे, क्योंकि हम तो बड़े गांव में जा रहे हैं, दूर दराज क्षेत्र है, फिर भी आपने हमें ट्रेस किया, इसके लिए आपका बहुत स्वागत है। जो बल का जो सवाल है, आज बल में बल एक इतिहास बनाता है हिमाचल की राजनीति में, क्योंकि सरकारों में जो बल की भागीदारी है वो बहुत ज्यादा है। कभी भी जब सरकार बनती है तो बल एक ऐसा केंद्र है कि यहां से जो प्रत्याशी जीत के जाता है सरकार में उसकी भागीदारी होती है, क्योंकि पिछला 20-22 साल पहले का जो इतिहास है उसमें 1998 में जो सरकार बनी थी उसमें कांग्रेस और भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, उसमें जो तीसरा विकल्प हिबिका के रूप में आया था तो यहां से जो हमारे प्रत्याशी जीत के गए थे उनके वजह से जो है सरकार बनी और उनको जो है विशेष दर्जा दिया गया। बात करें मुद्दों की, क्या मुद्दे हैं यहां पर? और आम आदमी पार्टी अभी पहली बार चुनाव लड़ रही है हिमाचल में, लोगों का किस तरह से आपको समर्थन मिल रहा है या क्या लोगों का कहना है? देखिए, जो मुद्दे हैं हिमाचल प्रदेश के जो बल के, इसमें जो आम आदमी पार्टी को लोग पसंद इसलिए कर रहे हैं कि दिल्ली में जो केजरीवाल जी की सरकार बनी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और उसके बाद पंजाब में सरकार बनी बहुत अच्छा काम किया, और वही पैटर्न यहाँ हिमाचल में भी दोहराया जा रहा है। सबसे पहले जो मुद्दा है स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, रोजगार का है, बेरोजगारी का है और भ्रष्टाचार का है। इन्हीं मुद्दों के ऊपर हम यहाँ पर लोगों से बात कर रहे हैं और पब्लिक बहुत ज्यादा उत्सुक है कि हम तीसरे मोर्चे को मौका देंगे। यहाँ पर जो रिवायत रही है वो कांग्रेस और बीजेपी की रही है हिमाचल में, ऐसे में चुनौतीपूर्ण कितना है आपके लिए? क्योंकि आम आदमी पार्टी भले ही दो राज्यों में है, दिल्ली और पंजाब की अगर बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये भी सोचते हैं कि जो सेंटर में सरकार है वही राज्य में भी होनी चाहिए। जरूरी नहीं है ऐसा, क्योंकि लोग इन दोनों को, जो रिवायत की बात की आपने, दोनों पार्टियों की बात को लोग समझ चुके हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत पिछले 70 वर्षों से लोगों को ठगा है। एक पार्टी जाती है दूसरी आती है, दूसरी जाती है तो तीसरी दूसरी आती है, मगर एक दूसरे की बुराई नहीं करते हैं लोग, मगर हमारी एक पार्टी ऐसी है जो कड़वी बात करती है, सच्चाई की बात करती है और कट्टरता की बात करती है। इन्हीं मुद्दों के ऊपर हमारा जो इलेक्शन होगा, और आपको हर्ष होगा जब यहाँ का रिजल्ट निकलेगा, बल से जो हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। तारा जी, आपके जो ओपोनेंट है ऑपोजिट साइड आपके खड़े हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? अच्छा, हमारे जो विरोधी हैं, प्रत्याशी हैं, सभी हमारे जान पहचान के हैं, हमें उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, उनकी अपनी पार्टी है, दोनों जो हैं अपनी अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं, मैं अपनी पार्टी से लड़ रहा हूँ। इसके अलावा सीएम मंडी से हैं, आपको लगता है प्रभाव पड़ेगा इस चीज का क्योंकि यहाँ पर भी 10 विधानसभा क्षेत्र है? सीएम का ही तो सबसे बड़ा सवाल है, अगर बल में काम होता तो सीएम साहब की यहाँ और बेली होती। विकास नहीं हुआ यहाँ? नहीं हुआ, लोग कहते हैं, देखते हैं लोग बल का जो विकास, जिला मंडी का जो एक सीएम होते हुए सब किसान सब कंस्टिट्यूएंसी में बराबर विकास होना चाहिए था, मगर उस तरह का नहीं हो पाया है। कहाँ हुआ है विकास? उनकी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में हुआ, जो उनकी अपनी होम कंस्टिट्यूएंसी है, सिराज में। यस। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में भी कई दिग्गज चेहरे यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे हम कौल सिंह ठाकुर की बात करें या फिर उनकी बेटी की बात करें चंपा ठाकुर की, और अनिल शर्मा, बहुत बड़े बड़े ऐसे नेता हैं जो हिमाचल की राजनीति में जिनका बड़ा नाम रहा है, किस तरह से देखते हैं, क्या प्रभाव डालेंगे ये सारे नाम? ये जितने भी आपने नाम गिनाए ये सभी परिवारवाद में फंस गए हैं। एक तरफ बाप है, दूसरी तरफ बेटी है, एक तरफ दूसरा है, एक तरफ सुरखा, तीसरा रिश्तेदार है, तो ये लोग दोनों जो पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं ये अपने परिवारवाद में खत्म हो जाएंगे, इसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आम आदमी पार्टी वहां हावी रहेगी।
गारंटियां देके गए हैं केजरीवाल यहां पर, और उसके अलावा 1000 रुपए महिलाओं को देने की बात करी है, लेकिन वो अभी तक पंजाब में भी लागू नहीं हुआ है। तो आपको लगता कहीं ना कहीं सवाल यहां भी पूछे जाएंगे, क्योंकि मुद्दे पंजाब से कनेक्टेड रहते हैं यहां। यस, देखिए जो पार्टी ने जो हमें प्रचार प्रसार के दौरान घर घर जाकर गारंटियां देने का जो काम दिया था वो पूरी तरह से हमने किया है। घर घर हमने नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए जो गारंटी 3000 वाली दी है, और उस महिला स्त्री समान राशि वाली हमने गारंटी दी है। मगर आप कहते हैं कि अभी पंजाब में लागू नहीं हो पाया है, वो एक लग इशू है, मगर यहाँ हमने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए जो प्लान है पार्टी का, जो पॉलिसी है, उन लोगों से हमने शेयर जरूर किया है, इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अब ज्यादा गुजरात पर फोकस कर रही है, हिमाचल पे इतना फोकस नहीं कर रही है। खैर हमें नहीं लगता ऐसा, हो सकता है दूसरी पार्टियों की सोच होगी, मगर हिमाचल में काम पूरी तरह से हो रहा है। आ रहे हैं केजरीवाल? केजरीवाल जी आ रहे हैं, जस्ट अभी मेरे कल मुझे नोटिस में आया है कल के 3 नवंबर को जो उनका रोड शो हो रहा है सोलन में, लोकसभा बाइज हो रहा है, मंडी का कब आता है अभी नंबर नहीं आया है। और किस तरह से कवरेज कर रहे हैं, क्योंकि समय कम है, तो कितने बजे निकल जाते हैं कैंपेनिंग के लिए, प्रचार प्रसार के लिए? मैडम जी इंडिविजुअल कैंपेनिंग तो हमारी 5 बजे शुरू हो जाती है सुबह, बट टीम के साथ हम 8 बजे निकलते हैं घर से, और रात को हमारा लगभग कोई 8-9 बजे के आसपास टाइम रहता है पहुंचने का। इस बीच क्योंकि घर बहुत दूर दूर है तो कितनी ज्यादा मुश्किल आती है, हालांकि आप खुद पहाड़ी है तो इतनी ज्यादा परेशानी नहीं आती होगी, लेकिन सारी जगह पे जा पाना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह पहुंचे, मगर नहीं पहुंचेगे तो लोगों के पास मैसेज जरूर जा रहा है, क्योंकि हमारे जो वॉलंटियर है, जो टीम है, बहुत अच्छी टीम है। इस वक्त मैं अपने घर से लगभग कोई 30 किलोमीटर दूर होगा, मगर साथी जो और भी लोग हैं वो भी इतनी दूर से आते हैं, और जहाँ जिस जगह पर हम नहीं पहुंच पा रहे हैं वहाँ पर हम स्पेशल लोगों की ड्यूटी लगा रहे हैं। डिजिटली कितना जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, लोग मोबाइल पे सारा दिन फेसबुक यूट्यूब देखते रहते हैं, तो डिजिटली कितना जोड़ पा रहे हैं लोगों को? काफी लोगों को जोड़ पा रहे हैं हम, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी काफी पिछले 6 महीने से शुरू हो गई है, क्योंकि जब से पंजाब में सरकार बनी उसके बाद जब आम आदमी पार्टी का यहाँ पर प्रचार बढ़ा है उसके बाद लोगों में काफी रुझान आया है, लोग एक दूसरे को जानना चाहते हैं कि पॉलिसी क्या है, तो इसलिए बहुत लोग जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द वेरी बेस्ट सर, उम्मीद करते हैं कि आप जो पहुंचाना चाहते हैं लोगों तक वो जरूर पहुंचे। थैंक यू मैडम, थैंक यू जी। जी हाँ जी, मैं मंडल अध्यक्ष बल से। मैडम जी आपने जो सवाल पूछे इसका मैं जवाब दूंगा। हम आज से लगे 1 साल से हमने जो पंचायत वाई किया, फिर वो संवाद किया, फिर पोलिंग बूथ में गए, अब डोर टू डोर जा रहे हैं। हमारा ना बीजेपी को पता है कहाँ है, ना कांग्रेस को पता कहाँ है, हम बराबर डोर टू डोर। हमारी टीम को देखिए, नौजवान यंग सब साथ हमारे। इस वक्त जो आपने सवाल पूछा भी कांग्रेस बीजेपी, आज एक ऐसा जमाना है मोबाइल साथ है, कांग्रेस की करतूत का भी पता लग रहा है, बीजेपी की करतूत का भी पता लग रहा है, तो आम आदमी पार्टी का भी पता लग रहा है कि पंजाब में क्या हो, दिल्ली में क्या हो। आज हमारा बच्चा जो दूसरी क्लास में पढ़ता है वो भी बोलता है केजरीवाल की जो शिक्षा नीति अच्छी है, जो भी एक बूढ़ी औरत वो बोलती है केजरीवाल की नीति, स्वास्थ्य नीति बहुत अच्छी है। तो हर आदमी के अंदर ये प्रचार है। रही दूसरी बात, आपने कहा बल एक ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है 10 कंस्टिट्यूएंसियों में प्रभाव डालती है, 10 कंस्टिट्यूएंसियों का प्रभाव बल से चलता है। हमारे जो विधायक कैंडिडेट है इतने स्मार्ट है, ये घर घर जाते हैं और एक चढ़ते हैं, 5 बजे शुरू होते हैं, हमें इतना विश्वास है कि हम विजयी हैं और आम आदमी पार्टी ही विजयी है। लोगों के मन में बस ये केजरीवाल, आपने एक बात सुनी, हमारा कभी मीडिया में आम आदमी का पार्टी का कोई सर्वे आना दे नहीं रहा है, क्यों नहीं दे रहे? हम बीच में है, वो जलसों में है, लड़ाई में है, गुटिज्म में, इसको टिकट दिया से चले जाते हैं। हमारे पार्टी में ठाट के ठाट एमएलए को टिकट दिया, कोई दे नहीं हुआ, तंदुरुस्त है। बिल्कुल तैयारी पूरी है, तो प्रत्याशी अपने अपना जो है चुनाव प्रचार में जुटे हुए, ऐसे में जो उनकी साथ कार्यकर्ता है वो भी पूरी तरीके से सहयोग दे रहे हैं, जहां पे कैंडिडेट नहीं जा पाते वहां पर वो जाकर लोगों आम आदमी पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं। कैमरा पर्सन मंजीत के साथ पूजा वर्मा, बल।